नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक खास रिपोर्ट में, आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर के। नया साल शुरू होने के साथ ही कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ लिया। दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर कोरोना की बात करें तो वह बेकाबू होता जा रहा है। खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें तो 1 जनवरी को दिल्ली में 1796 नए केस निकल कर आए, 2 जनवरी को 2976 के रूप में बदल के आया, 3 जनवरी को 3194 नए केस आए, और आज अगर 4 जनवरी की बात करते हैं तो 4100 से ज़्यादा नए मरीज कोरोना के निकल कर आए हैं। इसका मतलब कि दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हो गया है। अब कोरोना आम से लेकर खास तक तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं पर दिल्ली के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कोरोना के हमले से अपने आप को नहीं बचा पाए और संक्रमित होकर होम क्वारंटीन हो गए हैं। ज्ञात हो कि कल ये दोनों बड़े दिग्गज चेहरे देहरादून में बिना मास्क के रैली करते नजर आए थे। इस भयानक महामारी के बीच हमारी टीम ने कल दिल्ली सरकार के एक बहुत बड़े अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हरिनगर घंटाघर जाके पड़ताल किया। उस पड़ताल में जो तथ्य निकल कर आए वो बेहद डराने वाले थे। हमारी टीम ने जो तथ्य निकाल के ले आई, जो उन्होंने देखा वो हम आपको दिखाते हैं। परिस्थिति क्या थी, हम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की एक बार बात करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल 1970 में 50 बेड के अस्पताल से शुरू हुई थी। 1987 में यह 500 बेड का हॉस्पिटल बन गया और 2008 आते आते यह 644 बेड का हॉस्पिटल एक बहुत बड़े ट्रामा सेंटर के साथ बना। कहने के लिए ट्रामा सेंटर तो है, बट ट्रामा सेंटर में जो पेशेंट्स जाते हैं विशेष आपातकाल परिस्थिति में उनको ज़्यादातर रेफर कर दिया जाता है। जब हम लोगों ने दीनदयाल हॉस्पिटल का दौरा किया तो वहाँ पर जो हमने तथ्य देखा वो बेहद डरावने वाले तथ्य थे। हॉस्पिटल के बाहर से अगर हम शुरू करते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर मेन गेट की तरफ एक शौचालय बना हुआ है। वह शौचालय इस परिस्थिति में था कि उसको इस्तेमाल करना तो दूर, शायद उसके आसपास से भी गुजरना आप कतई गवारा नहीं करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर की परिस्थिति कुछ और खतरनाक थी। जैसे हमारी टीम ने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, लोग बेतरतीब तरीके से लाइन में लगे हुए हैं। एक से एक लोग सटे हुए थे, आपस में सटे हुए थे। बहुत सारे लोग बिना मास्क के थे। इवन की अंदर जो लाइन लगी थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था, और ना ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने के लिए कोई व्यक्ति वहां पर उपलब्ध था सरकार के तरफ से। हम और अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर गए तो एक शौचालय दिखा। उस शौचालय को पड़ताल जब करके देखा गया, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, तब हॉस्पिटल के जो अंदर के जो शौचालय हैं उसके वॉश बेसिन में गंदगी का भरमार है। उस शौचालय को भी कतई एक आम व्यक्ति इस्तेमाल करना गवारा नहीं करेगा। और अंदर की तरफ चलते हैं, स्थिति जितनी जितनी अंदर हमारी टीम जा रही थी स्थिति बेहद डरावनी थी। जैसे हम अंदर प्रवेश किए, हम लोगों ने वहां पर देखा कि लोग बिना मास्क के जैसे तैसे बैठे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहा था। हम वहां से इमरजेंसी वार्ड की तरफ जब जाते हैं तो इमरजेंसी वार्ड में हमने देखा कि वहां पर मरीज के परिजन बिना मास्क के नजर आए। ये भी इससे भी बड़ी भयानक बात यह थी कि जो गार्ड वहां पर ड्यूटी में थे उनके मास्क भी नीचे थे, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जहां पर कि कोविड टीकाकरण किया जा रहा था। बहुत जबरदस्त तरीके से क्राउड थी और एक आदमी भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं कर रहा था। हाँ, वहां पर लोग मास्क में नजर आए, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लोग बिना मास्क के थे, जिनको कि मास्क पहनाने की जरूरत शायद वहां के जो संबंधित अधिकारी थे उनको उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। हमने वहां पर कुछ पुलिस अधिकारियों को देखा, उसमें से दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी जिनका मास्क नीचे था और फोन पर बात करते नजर आए। हम वहां से जब मेन गेट की तरफ, जो कि इमरजेंसी की तरफ से एंट्री होती है, वहां पर जाके हमने देखा, वहां पर गार्ड और बाकी लोग तो मास्क में बहुत अच्छे से तरीके से नजर आए, लेकिन हम बाहर निकले तो स्थिति बेहद डरावनी थी। वहां जाके जब हमने देखा तो वहां पर बहुत सारे रेडी पटरी के ऊपर खाना बेचा जा रहा था, और जो दुकानदार थे या जो लोग थे 100% बिना मास्क के थे। यह सब परिस्थिति आगे चल के दिल्ली को एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ धकेल सकते हैं अगर दिल्ली सरकार की आंख अभी भी नहीं खुलती है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के तरफ से, इमरजेंसी गेट के एंट्री की तरफ से अगर कोई इमरजेंसी वाहन एंट्री करती है,
कोई एम्बुलेंस आता है तो वहां पर 2-4, 5 मिनट, 10 मिनट बिना रोके उस वाहन की एंट्री नहीं हो सकती, इसलिए कि वहां पर बहुत सारे अवैध एम्बुलेंस लगे रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लगातार हम इसको देख सकते हैं, कभी भी जाके देखा जा सकता है। परिस्थिति ये होती है कि उनको आगे पीछे करवा के अंदर करना होता है। एक बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है और अगर वो एम्बुलेंस लेने के लिए हायर करने के लिए जाते हैं कि बॉडी लेके जानी है तो महंगा कीमत मांगते हैं और एक तरीके से वहां पर गरीब मजलूम लोगों का शोषण किया जाता है। हॉस्पिटल के थोड़ा सा और आगे की तरफ हम बढ़ के देखा, हमने देखा वहां पर एक कूड़ादान है और कूड़ेदान की बदबू हॉस्पिटल के अंदर तक जा रही थी। हम उसी स्मेल के करके हम बाहर गए थे देखने के लिए कि आखिर स्मेल आ कहां से रही, तो जाके पता चला कि एक म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का डस्टबिन है और उस डस्टबिन में कूड़े की भंडार थी और वहां से वह स्मेल आ रहा था। हम जब वहां से बाहर निकल के आते हैं मेन गेट की तरफ तो वहां पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा लगे होते हैं और ऑटो रिक्शा ना तो वहां से हटाने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे कुछ स्टाफ से हमने बात करने की कोशिश की, वो कैमरा पर नहीं आने के सर पर उन्होंने बताया कि यह कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है और बहुत बार प्रयास करने के बाद में भी इसके ऊपर कोई सुधार नहीं हुआ है। आज इन सारी परिस्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार के DDMA की मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि दिल्ली सरकार के इसके ऊपर दिल्ली सरकार क्या निर्णय लेती है। जब तक दिल्ली सरकार का अगला निर्णय आता है तब तक आप देखते रहिए द डॉन एक्सप्रेस।